everyone, welcome in this channel. Today we are doing chapter number 8, सर्वनाम. सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम. जैसे कि हमने राम, सीता, मोहन, सोहन, इनके नाम की जगह वह लगा दिया, मैं लगा दिया, इसका, उसका, तुम्हारा, अपना, ये सारे जो नाम होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं. तो हमारी जो सर्वनाम की डेफिनेशन है वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं रोहन हूँ, यहाँ जो मैं है वो क्या है? सर्वनाम है. यह मेरा भाई है, यह क्या है? यह भी सर्वनाम है. तुम मेरी बहन हो, तुम क्या है? सर्वनाम. मैं और तुम्हें, ये दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम है. तो इस तरीके से जो भी शब्द किसी भी व्यक्ति का अगर हम बार बार नाम लेते हैं, उसका नाम लेने की बजाय हम उसके नाम पे मैं, हम, तुम, आप, अगर इन शब्दों का अगर यूज करते हैं तो ये हमें अच्छा भी लगता है और सुनने वाले को भी ये बहुत अच्छा लगता है. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज. यस बैठा है, खाना खा रहा है, वह या आप, यहाँ पे आएगा वह, वह खाना खा रहा है. अगर आप लगा दोगे तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? आप खाना खा रहा है. तो यहाँ आप नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा वह. लड़के पार्क में खेल रहे हैं, ब्लैंक क्रिकेट खेल रहे हैं, वे या उन्हें, इन दोनों में से क्या आएगा? वे. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए. तुम, क्या तुम खेलना पसंद करोगे? शब्दों से वाक्य बनाने का मतलब होता है जो आपको यहाँ पे नाम दिया गया है, इस तरीके का वाक्य आपको बनाना है कि उसके अंदर ये नाम आए. जैसे मेरा, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, वह, वह कहाँ जा रहा है, आप पढ़ क्यों नहीं रहे. इसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए. वह मोहित के साथ खेलता है, मोहित के साथ हमने लगाया वह, तो हमारा सर्वनाम क्या है? वह. इसकी लिखावट सुंदर है, इसकी. तुम्हारा घर कितनी दूर है? तुम्हारा. और आप अंदर आइए, आप. तो ये है हमारा लेसन नंबर 8. प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें. Thank you.